नमस्कार दोस्तों, आप अग्रहारी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताना चाहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन सी हैं। हमारे देश की राष्ट्रीय पार्टियाँ कौन कौन सी है? बहुत लोग कहते हैं सपा है, तो सपा हमारे देश की राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। दोस्तों, हम बताएंगे आज आप लोगों को कि हमारे देश की राष्ट्रीय पार्टी कितनी है और कब इसकी स्थापना हुई, कौन इसके संस्थापक थे। तो आज आपको यही हम बताएंगे कि हमारे देश की राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन। हमारे देश की राष्ट्रीय पार्टी पहला नंबर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। यह है, इसका चुनाव चिन्ह था हाथ का पंजा और इसकी स्थापना 1885 में हो गई थी और दोस्तों आपको ये बताएंगे हम कि इसकी जो अध्यक्षता इसकी जो संस्थापक जो पार्टी बनाए थे उनका ए एम हुम इनका नाम रखा गया था। यही था दोस्तों। दूसरा नंबर है भारतीय जनता पार्टी, जिसको बोलते हैं भाजपा। तो उसका चुनावी चिन्ह कमल का फूल है। तो दोस्तों, कमल का फूल उसका चुनाव चिन्ह हो गया और इसकी स्थापना भी बहुत जल्दी हुई थी। ये हमारे यहाँ 1980 में इसकी स्थापना हुई और इसके संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी थे। और इस समय जो चलाते हैं पार्टी को, उनका नाम अमित शाह है। और तीसरा नंबर है बहुजन समाज पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टी है और उसका नाम बसपा के नाम से है, बसपा के नाम से है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये किसन में आया था 1984 में, ये आया था और इसकी स्थापना काशीराम ने किया था। और या भी इस समय मायावती इस पार्टी को देख रही हैं और इस पार्टी को चला भी रही हैं। वही चौथा नंबर देखते हैं तो भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी है एक, जो माकपा के नाम से जानी जाती है। और यहाँ तो हम उत्तर प्रदेश में सुने नहीं हैं, लेकिन माकपा बाहर के राज्यों में चलती रहती है। इसका निशान चुनाव चिन्ह है हसिया, सब लोग कहते हैं। और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी पी ए डोंगे। और इस समय उसकी पार्टी को देख रहे हैं करात एंगे। पाँचवा नंबर है राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी के नाम से जानती है, एनसीपी के नाम से जाना जाता है। और इसका स्थापना भी तो बहुत जल्दी हुई है, 1999 में हुई थी और इसको शरद पवार देखते थे। इसकी स्थापना शरद पवार ने की और 1999 में हुआ और इस समय भी वही देख रहे हैं, शरद पवार ही इस पार्टी को। राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी माकपा के नाम से जानी जाती है। कम्युनिटी पार्टी, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी और इसका चुनाव चिन्ह है या तो अनाज की बाली है। और इसको इसकी मतलब संस्थापक कौन थे? एम एम राय। सातवां नंबर है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, और इसकी स्थापना भी तो बहुत जल्दी हुई है, अभी तो 20-22 साल हुए हैं। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी और जिसके संस्थापक जो मेन थे, इसके जो इस पार्टी को बनाए थे, वो ममता बनर्जी थी। और आज भी वही ममता बनर्जी ही इसको देख रही हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दिए कि भारत की राष्ट्रीय पार्टियाँ कौन कौन सी हैं और उनका चुनाव चिन्ह कौन कौन सा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। कोई गलती होगी तो हमको कमेंट में ज़रूर बताइए।